किसान भाइयों, राम राम, नमस्कार। आजकल आप लोग खासे परेशान हैं जंगली जानवरों से, छुट्टे सांडों से या नील गाय और रोज से ये आपकी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं और रात भर आपको जागरण करना पड़ रहा है और फसल आपकी बर्बाद हो रही है। किस तरह से आप अपनी फसलों की सुरक्षा कर सकते हैं, मुफ्त का चौकीदार नियुक्त कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी मशीन की वीडियो दिखा रहा हूँ जो मशीन आपकी सुरक्षा करेगी फसलों की, यानी एक बार का खर्चा और फसलों की वर्षों तक की सुरक्षा मात्र 400 रुपए में अपने घर इस मशीन को मंगा सकते हैं। कौन सी मशीन आप खरीदें, कौन सी मशीन गारंटी की है और बढ़िया भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है? कुछ लोग मशीन खरीद रहे हैं किसानों को झांसे में रख करके, बिना मान्यता प्राप्त कंपनी की ये मशीन है और भारत सरकार से भी सर्टिफाइड नहीं है। ज्यादा करंट देने का ये कंपनियां झांसा दे रही है, लेकिन दोस्तों इन कंपनियों की मशीनें लेकर के आप परेशानी में फंस सकते हैं। आपके खिलाफ मुकदमा भी हो सकता है, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कौन सी मशीन खरीदें जिससे आपकी फसलों की भी हो जाए सुरक्षा और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई भी ना हो, और किस तरह से किस मशीन को भारत सरकार ने मान्यता प्राप्त कर रखी है, कितने तरह की ये मशीनें हैं और तारकसी करने में कितना खर्चा आता है आपको अपने खेत की रखवाली के लिए, ये सारी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं। लगातार पूरा वीडियो देखें, नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें और देखें यह मुफ्त के चौकीदार की सुरक्षा वाली मशीन जो आपकी फसलों को आवारा जंगली और छोटे सांडों से बचाएगी। किसान भाइयों, जंगली आवारा और खुले सड़कों से यदि आपको अपनी फसल की सुरक्षा करनी है तो यह मशीन लगानी होगी, और इस मशीन को लगाने से पहले अपने खेत की आपको बाउंड्री करनी होगी, वह भी तारों से। कौन से तारों से आप करें अपने खेत की बाउंड्री, पहले यह जानें। झटका मशीन पर सही काम करने के लिए पतले तार से बाउंड्री की जाती है। कटीले या ब्लेड वाले तार झटका मशीन में सही तरह से काम नहीं करते। 1.5 mm का तार इस मशीन के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है, और 1.5 mm का यह तार 1 किलो में 300 फीट बनता है। आप अपने खेत की बाउंड्री 1.5 mm के तार से करें और सीमेंट के पोल ना लगाएं। बांस या लकड़ी के खंभे लगा करके आप अपने खेत की चारदीवारी बना सकते हैं। एक तार से भी आप अपने खेत की सुरक्षा कर सकते हैं। एक तार को अक्सर जानवर पार कर जाते हैं, इसलिए कम से कम 2 तारों की आप बाउंड्री करें। 1.5 mm का जो तार है वो 130 रुपये किलो आता है। 130 रुपये किलो वाले तार में जंग लग जाती है, और 190 रुपये किलो वाला जो तार आपके आसपास कस्बे के बाजारों में मिल सकता है उस पर कभी जंग नहीं लगती। 1 किलो में 300 फीट तार बनता है, और 1 एकड़ का सिंगल फेसिंग करने के लिए हमें 3 किलो तार की आवश्यकता होती है। डबल तार की फेसिंग करने के लिए हमको 6 किलो तार लगेगा 1 एकड़ खेत में, और 130 रुपये पर किलो के हिसाब से यह तार 780 रुपये होता है। 1 एकड़ की बाउंड्री आप 780 रुपये में कर सकते हैं, वह भी डबल तार की फेसिंग के साथ। यदि आपके फसलों के आसपास जंगली सुअर या छोटे कद वाले जानवरों का भी आतंक है तो आपको 3 तार की फेसिंग करनी होगी। बांस की बल्ली पर तार की फेसिंग करते समय आपको इंसुलेटर लगाने पड़ेंगे, और ये इंसुलेटर 2 रुपये से लेकर के 5 रुपये प्रति इंसुलेटर जहां से आप मशीन लेंगे या जहां से आप तार खरीदेंगे वहां पर उपलब्ध हो सकते हैं। तार की फेसिंग करते समय सबसे ध्यान देने वाली जो बात ये है कि आपकी लाइन कहीं भी अर्थ ना माने। यदि लाइन अर्थ मानेगी तो आपकी मशीन का सायरन बजता रहेगा। झटका मशीन का सायरन तभी बजता है जब तारों से कोई जानवर टकराता है या लाइन अर्थ लेती है, तो यह सावधानी आपको बरतनी होगी। लाइन यदि आपकी अर्थ ले रही है तो झटका मशीन सही ढंग से काम नहीं करेगी। जब आपके खेत की फेसिंग हो जाए तो आपको एक मशीन की जरूरत होगी, एक बैटरी की और एक सोलर पैनल की। 3 तरह की यह झटका मशीन होती हैं। एक मशीन आती है 3,000 रुपये की, 10 एकड़ के खेत के लिए काम करती है बढ़िया। दूसरी मशीन 4,500 रुपये की, 25 एकड़ खेत के लिए काम करेगी। और तीसरी मशीन 5,500 रुपये की है जो 50 एकड़ खेत की सुरक्षा बखूबी कर सकती है। मशीन के अलावा आपको बैटरी और पैनल और तार अपने निजी खर्चे से खरीदना होगा।
हर खंभे पर जितने तार लगाए जाते हैं उतने ही इंसुलेटर भी लगाए जाते हैं प्लास्टिक के। पैनल दो तरह के आते हैं, एक 40 वाट का पैनल और एक 20 वाट का छोटा पैनल। 20 वाट के सोलर पैनल की कीमत मात्र 1200 रुपये है और 40 वाट के सोलर पैनल की कीमत 1500 रुपये है। यदि आपके खेतों पर बिजली का कनेक्शन नहीं है तो आपको सोलर पैनल लेना ही पड़ेगा और 12-7 या 12-12 की बैटरी लगानी होगी। 12-7 की बैटरी 15 घंटा बखूबी मशीन को चलाती है, वहीं 12-12 की बैटरी 24 घंटे से अधिक मशीन को चलाती है। चार्जिंग लेने में मात्र 4-5 घंटे का समय लगता है। सोलर पैनल से दिन के समय यह बैटरी चार्ज होती रहेगी और रात भर आपकी यह मशीन बखूबी चलेगी। किसान भाइयों, आप अब यह जानें कि कौन सी झटका मशीन खरीदें। बहुत सारी कंपनियां झटका मशीन बना रही हैं, देश भर में प्रचार किया जा रहा है, लेकिन वो मशीन ही आप खरीदें जिसे भारत सरकार ने सर्टिफिकेट दे रखा है, जिसे प्रमाणित कर रखा है। 9999 वाट की मशीन ही वैध है जिसे आप लगा सकते हैं। अधिक वोल्ट की मशीन आपने लगाई तो वह आपके लिए हानिकारक हो सकती है, आपको मुश्किल में डाल सकती है। अधिक वोल्ट की मशीन से जानवर की मौत हो सकती है और यदि जानवर की मौत हो गई और आपके किसी विरोधी ने शिकायत कर दी तो आपको हवालात की हवा खानी पड़ सकती है। आपका उद्देश्य सिर्फ अपने जंगली जानवरों को खेतों से भगाना है, किसी जानवर की हत्या करना नहीं। 9999 वोल्ट से अधिक की मशीन से आदमी और जानवर की मौत हो सकती है और यह आपके लिए खतरे से खाली नहीं होगी। यदि आप अपने फसलों की जंगली जानवरों से सुरक्षा करना चाहते हैं तो मशीन को खरीदने से पहले हम डिस्क्रिप्शन में पूरी जानकारी दे रहे हैं, जहां ये मशीन मिलती है वहां का नंबर दे रहे हैं और स्क्रीन पर भी हम नंबर दे रहे हैं, आप सीधे पूरी जानकारी कर लें। बैटरी, तार, खम्भे या इंसुलेटर आप अपने आसपास के बाज़ार से ही खरीदें, वहाँ गारंटी रहेगी और आप देखभाल करके सामान खरीद सकते हैं। वहीं मशीन आप ऑर्डर से घर बैठे मंगा सकते हैं, मात्र 400 रुपये के खर्चे पर आप अपने घर यह मशीन मंगा सकते हैं। किसान भाइयों, इस मशीन को लगाने वाले एक किसान के पास हम पहुंचते हैं, उत्तर प्रदेश के दादरी के आम का गाँव में। ये किशन सिंह यहाँ खेती किसानी कर रहे हैं काफ़ी वर्षों से, खास तौर से ये सब्जी उगाते हैं अपनी फसलों में। इन्होंने झटका मशीन लगाई हुई है और किशन जी, क्या खेती किसानी कर रहे हैं आप? सब्जी का काम है जी। कितने दिन से कर रहे हैं सब्जी का काम? हो गए 14-15 साल हो गए। अच्छा अच्छा, तो ये झटका मशीन आपने लगा रखी है? हाँ। तो कितने दिन से लगा रखी है आपने झटका मशीन? हो गए 7-8 महीने लगाई हुई है। अच्छा अच्छा, तो क्यों लगाने की जरूरत पड़ी झटका मशीन को तुम्हें? गाय बाजार रुके ना रहे, 4-4 तार, 5-5 तार लगा दिए। अच्छा अच्छा, तो नुकसान कर रहे होंगे, फसल को रौंद रहे होंगे। हाँ जी, और ब्लेड वाले लगाते तो फट जाते, अपराध आता था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपने ये झटका मशीन लगाई है। हाँ। कितना खर्चा लग गया इस मशीन को लगाने में आपको? इसमें आ गया था हमारा 8-9 हजार रुपए खर्चा आ गया। कितनी फसल की आपने बाउंड्री कर रखी है? 15 बीघे की। 15 बीघे कर रखी है। हाँ, मशीन तो ज्यादा बीच की है, 100 बीघे की बताते मशीन को। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मशीन बढ़िया काम कर रही है? बढ़िया फसल। कैसे काम करती है, पता कैसे लगता है, जानवर कैसे भागते हैं इस मशीन से? जानवर का हॉर्न बोल जाता है ना हमारे पास। अच्छा, ऐसा जानवर का चोता टूट गया, हॉर्न बोल जाएगा। अच्छा, इससे पता लग जाता है कि मशीन में कहाँ गड़बड़ हो रही है। हॉर्न चलता रहा तो समझ लिया तार टूट गया, जानवर फंस गया उसमें। अच्छा अच्छा। हाँ। तो इससे लाभ मिल रहा है फसलों में? लाभ मिल रहा है, काफी लाभ मिल रहा है। तो गांव में कितने लोगों ने लगा रखी है ऐसी मशीन? हमारे यहाँ पर कम से कम 20 मशीन आ चुकी हैं। अच्छा, 20 मशीन आ चुकी हैं, बढ़िया काम कर रही हैं। बढ़िया, कोई नुकसान वगैरह मशीन में किस तरह का? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बैटरी से चलाते हैं आपके सोलर से चलाते हैं? सोलर बैटरी से, दोनों से। दोनों चलाते हैं, तो कितनी बैटरी लगाते हैं, कितने वोल्ट की इस पर? 12 वोल्ट की बैटरी चलती है, 8 दिन कम से कम। 8 दिन चलती है 12 वोल्ट वाली। मारुति वाली बैटरी होती है वो 8 दिन फुल चार्ज हो या 1 हफ्ता। जी भाई, ये मशीन है आपकी? हाँ, तो ये इसमें ऑन ऑफ के बटन लगे हुए हैं? ये ऑन करने का है जी। अच्छा अच्छा, और ये? और ये वाला है, यानी कम करंट और ज्यादा करंट करने का। अच्छा, एक्स्ट्रा पावर इसमें लिखा हुआ है? ये तो एक्स्ट्रा पावर है नीचे। अच्छा अच्छा, और ऊपर कम करंट नॉर्मल करंट पे चलेगी। अच्छा, और ये है, ये ऊपर कर दिया 24 घंटे का है, 24 घंटा चलती रहेगी ऑटोमेटिक, 24 घंटे बाद बंद हो जाएगी। अच्छा, नीचे करे पीछे 12 घंटे चलेगी ये, 12 घंटे चलती रहेगी। और ये और ये हॉर्न का ये अलार्म जो आपने लगा रखा है ऊपर, इस अलार्म का ये? अच्छा अच्छा, तो ये जो है आपने, ये अलार्म का वायर हो गया इसमें से? ये सोलर का स्विच है इधर। अच्छा अच्छा अच्छा, सोलर का स्विच इसमें लगा हुआ है, यानी सोलर से भी आप इसे चला सकते हैं, डायरेक्ट दिन में सोलर से चला सकते हैं। ये सोलर का स्विच है? ये लाइट का है।
वो बाका बैटरी का। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बैटरी वाला वायर है आपका, यहाँ से जा रहा है। हाँ। और ये चार्जिंग का है, जो सॉकेट है ये किसका नहीं, है? नहीं नहीं, ये तो ये खराब हो गया था तो अंदर से जॉइंट, अंदर से जॉइंट कर लिया। हाँ। तो ये आपका वायर आ रहा है, ये वाला बैटरी का वायर है। हाँ। और ये बैटरी से आपने लगा रखा, लगाइए। बैटरी से लग रहा है। अच्छा अच्छा, तो बैटरी ये बड़ी बैटरी है आपकी? हाँ बड़ा बैटरी है, इस पे तो असेंबली मशीन चलेगी कम से कम एक महीने। एक महीने चल जाएगी? तो लगाओ जरा इसके, कैसे काम करती जरा दिखाओ। ये हाँ चल गई। हाँ ये ऑन ऑफ हो गई? हाँ ऑन हो गई। हाँ ऑन हो गई। अच्छा अच्छा, अब इस मशीन के तार टच हैं तो समझो ऐसा हो रहा बोलेगा। अच्छा अच्छा। हाँ जी, इसका मतलब ये है कि मशीन से या तो कोई जानवर टकरा रहा है या उसके तार आपस में टच हैं। हाँ। यानी अर्थ ले रहा। हाँ। है तुरंत बोलेगा ये। अच्छा, ये लगेगा जब भी कोई जानवर इससे टकराएगा। सटा दो बच्चों की तरफ कर दो। और लाइन यदि अर्थ नहीं लगी, कोई जानवर नहीं टकराएगा इससे, ऐसी ये चलती रहेगी। लो बैटरी होने पर ये बैटरी दिखाएगी। अच्छा, लो बैटरी देने पर। हाँ जी। अच्छा, और ये लाल ये बैटरी लो ऊपर, ये भी चार्जिंग है? तो चार्जिंग है ये। हाँ, ये इसका मतलब इधर से पैनर से बैटरी भी चार्ज होगी। अच्छा अच्छा, अगर पैनर से दिन में मशीन चला रहे हो तो इस तरफ बैटरी पे तार लगा तो बैटरी भी चार्ज होगी, बैटरी भी चार्ज हो जाएगी। ये आपकी कौन सी वाली है ये चौकीदार जो मशीन है आपकी? चौकीदार कंपनी की है जी। चौकीदार कंपनी की तो है, लेकिन ये कौन से, ये कितने एकड़ की सुरक्षा कर पा रही है आपकी फसल की? हमने तो 15 बीघे में लगा रखी है, वैसे बिल पे मशीन पे लिख रहा है 100 बीघे में लगा दो, कोई दिक्कत। ये लाइन पे तार कैसे लगाते हैं आप? ये लग रहा है तार ये बाहर को जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये दो तार बाहर को जा रहे हैं इसमें से। हाँ जी। और ये जा रहा है तार। अच्छा अच्छा, ये आपने बाउंड्री में लगा रखे हैं अपनी? हाँ जी। यहाँ से निकल रहे हैं जो दोनों तार आपके? तो ये दो तार हैं इसमें, दो तार लगाने पड़ते हैं? हाँ जी, दो तार लगाने। एक तार में दो तार लगाने पड़ेंगे? नहीं नहीं नहीं, अलग अलग। ये गर्म तार है, ये ठंडा। अच्छा, अच्छा, तो कैसे लगाते हैं आप उसमें जो बाउंड्री बनी हुई है? बाउंड्री बनी हुई है, गर्म तार है ये तो समझो नीचे रख लो। हाँ। अर्थ वाला कहाँ रहेगा ये? बाउंड्री लगाओगे तुम? हाँ। तो नीचे साइड रख लो, कोई दिक्कत ना। ये इसमें ऐसा चार तार लगाओ या दो तार लगाओ, कई तार में करंट छोड़ दो। अच्छा अच्छा। तो किसान भाइयों, आपने देखा सुना और समझा, जो मशीन आदि आप मंगाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, डिस्क्रिप्शन भी एक बार देख लें, पूरी जानकारी डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो का लिंक अपने अन्य साथियों में भी शेयर कर दें ताकि अन्य किसानों को भी यह पूरी जानकारी मिल जाए। आप देख रहे थे खेती किसानी और कामकाजी बाजार की पड़ताल। सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ नमस्कार।